नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाते हैं, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाते हैं। दोस्तों, समय समय पर हम इस चैनल पर ब्लॉगिंग भी करते हैं। ब्लॉग यानी कि जो भी गतिविधि हम करते हैं उससे हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे कि आप भी हमारे द्वारा किए हुए प्रयासों से जानकारी लेकर के आप भी सफल हो पाएँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, कोई आयुर्वेदिक पौधा लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि आज आपके सामने एक पौधा लेकर के आया, जिसको हम लोग जो है गुडविल पौधा बोलते हैं। यानी कि गुडविल यानी हमारे घर पे गुडविल लाने वाला पौधा होता है, हमारे घर से अशुभ नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने वाला पौधा होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला पौधा होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आप इस पौधे को अपने घर पे अपने ऑफिस में अगर लगाते हैं तो आपके ऑफिस में जो होता है एकदम गुडविल आना लग जाता है, यानी कि नकारात्मकता पूरी तरीके से नकारात्मक एनर्जी को यह नष्ट कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पर कभी कभी क्या होता है कि यह जो पौधा होता है यह स्वतः ही अपने आप ही नष्ट होने लग जाता है। इसलिए नष्ट होने लग जाता है क्योंकि ये जो पौधा होता है ये भारतवर्ष का पौधा नहीं है, ये विदेशी पौधा होता है, जिसकी आप देख रेख ना करें तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाता है। और कहा जाता है कि ये पौधा अगर आपके घर में है और आपके घर से अगर ये पौधा नष्ट हो रहा है, मर रहा है, तो आपको अपशगुन मिलता है। अपशगुन मिलता है यानी कि आपके नकारात्मकता एनर्जी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होने लग जाती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, देरी नहीं करता और उस पौधे की मैं आपको पहचान करा देता हूँ और उस पौधे के बारे में बतला देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यह है बम्बू का पौधा। बम्बू यानी कि हम लोग इसको घर पर लगाते हैं इस पौधे को, और हम यह मानते हैं कि यह जो पौधा होता है हमारे घर पर गुडविल लाने वाला पौधा होता है। तो दोस्तों, इस पौधा जो होता है ये ख़त्म होने लग जाता है धीरे धीरे, यह पौधा जो होता है नष्ट होने की कगार पे आ जाता है और सूखने लग जाता है, गलने लग जाता है, क्योंकि यह जो पौधा होता है पानी में रहने वाला पौधा होता है। तो इसकी आपको केयर कैसी करनी, और अगर आपके घर का पौधा अगर नष्ट हो रहा है तो उसको आपको कैसे अच्छे से रखना, जिससे आपका पौधा जो होगा नष्ट नहीं होगा और फिर से जो पौधा होगा वो अच्छे से गुडविल देने लग जाएगा। दोस्तों, यह जो पौधा आप अभी देख रहे हैं, यह पौधे को मैंने बचाया है, यह पौधे को कम से कम एक महीने तक मैंने जो है इसकी देखरेख की है, जिसकी वजह से यह पौधा आपको कितना शानदार दिख रहा है। ये देखिए, ये पौधा कितना शानदार दिख रहा है। इसमें से दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि नए नए पत्ते भी आ रहे हैं इसमें और नए नए सारी चीज़ें हो गई। यह पौधा पहले वीडियो में कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, और बने रहिएगा वीडियो में, आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आपको इसकी केयर कैसी करनी है। यह देखिए, यह जो पहले था पौधा वह कैसे था और इसको हमने क्या क्या किया जिसकी वजह से इस पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ आ गई है। अब इसको दोस्तों हम कुछ दिन बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पौधे को आपको कैसे केयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यह पौधा वास्तव में कैसा दिख रहा था। तो दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि यह जो पौधा है पूरी तरीके से इसमें जो है सफ़ेद पीले पीले से पत्ते हो गए इसके, मतलब सूखने लगे इसके पत्ते, और यह जो है ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है। यह जो है इसको हम पूरी दिखाते हैं, इसकी जड़ जो है अच्छी तरीके से डेवलप तो है, पर यह जो जड़ आप देख रहे हैं, जड़ डेवलप होने से इसमें कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, पर यह जो इसके जो अंदर के जो बम्बू हैं वो गलने लग गए हैं इसमें। ये देखिए, आप देखेंगे पूरी तरीके से तो ये एकदम गलने लग गए हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा पौधे जो हैं इसमें जो है वो नष्ट भी होने लगे हैं। तो दोस्तों, इसको बड़ी ही आसानी से आप अपने घर पर बिल्कुल इस पौधे की जान बचा सकते हैं और आप अपने गुडलक को भी बचा सकते हैं। गुडलक लाने वाला ये बम्बू का पौधा जो होता है, इसकी बहुत ही अच्छे से आप केयर करके इसको जो है पहले की तरह जैसे आप कर सकते हैं। तो देख रहा होंगे वीडियो पूरी तरीके से गल गए इसके बम्बू जो है, पूरी तरीके से गल गए, मतलब वो मर गए, वो अब पैदा नहीं होंगे, मतलब वो ख़राब हो गए हैं। और इन बम्बू के जो ख़राब हो गए ना, इन्हीं वजह से हमारे जो साइड में जो इनके साथ में चिपके हुए वो बम्बू भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसको सही तरीके से साफ करने का तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार का जो गल गया ना, उसको हमको पहले हटाना है इसमें से। तो इसमें हटाने के लिए इसमें जो एक तार की जो बंधी रहती है उसको अच्छे से आपको काट लेना है। उसको काटने के बाद जो है, आप जैसे ही उनको काटेंगे तो काटने के बाद ये बम्बू जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब हम इनकी जो है अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर पाएंगे। सफाई करने के बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलानी, जिसके बाद आपका जो पौधा है पहले की तरह ही ग्रो करने लग जाएगा। तो चलिए हम इसको काट लेते हैं।
ये दो कट गए, तीन लगे होते हैं, जिससे ये एक प्रकार से एकत्रित एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है। जो मतलब आपको दिख रहा है, जिसको हल्का सा आप दबा करके देखेंगे, जिनमें जड़ है उनको आपको जो है पानी में डाल देना, जैसे ये सड़ गया है पूरी तरीके से देख, तो ये कोई काम का नहीं है हमारा, तो इसको जो है आपको फेंक देना है, कोई मतलब नहीं उसका। ये देखिए सड़े वाले को आपको निकालना है, इसकी आपको हर महीने केयर करनी है दोस्तों। अगर आप हर महीने केयर नहीं करेंगे तो आपका पौधा जो होगा वो मरने लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं वास्तव में, हम अपने घर पे ले जाते हैं, कहते हैं कि ये गुडलक लाने वाला होता है, और इसी गुडलक की जो है हम केयर नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसमें रोज़ क्या करते हैं पानी बदलते रहते हैं, जिससे पौधा जो होता डेवलप नहीं हो पाता है। तो अच्छी तरीके से इसकी छटाई कर दीजिए, और जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह पर सूखे हुए से दिखेंगे, आपको गले हुए से दिखेंगे, उसकी आपको अच्छी तरीके से एकदम नीट एंड क्लियर तरीके से साफ़ सफाई कर देना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जब पौधा आप निकालें तो इसकी जो है जड़ टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई है जड़ ना, तो थोड़ा सा डेवलप होने में समय लगता है, हालांकि जड़ उसमें वापस आ जाती है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं मार्केट से केमिकल लेकर के आते और केमिकल डाल करके अपने पौधों को जीवंत रखते हैं। मैंने शॉप वाले से भी पूछा था कि भाई साहब यार आपके यहाँ पे जो ये जो गमले हैं इनको जो है बम्बू को जो है आप किस प्रकार से इतना अच्छा रखते हैं कि ये एकदम हरे भरे से दिखते हैं। तो उन्होंने बोले कि इसमें जो है कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और फास्फोरस जिसमें प्रचुर मात्रा में होता है, वो पदार्थ हम इसमें जो है सप्लीमेंट के तौर पे डालते हैं। तो दोस्तों सप्लीमेंट के तौर पे आप डालेंगे ना, और उसके बाद में जो सिर्फ आप अगर आप कहीं चले जाएंगे, घर से दूर चले जाएंगे, तो पौधा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मैं भी 3 महीने के लिए बाहर चला गया था और भूल गया था कि ये पौधा जो है मुझे किसी को दे के जाना है, जिससे वो पानी बदल सके, और नहीं बदला तो आप देख ही रहे कि ये गलने लगा है। तो ये अच्छी जड़ जिनमें हो ना, उनको जो है आपको अच्छी तरीके से प्योर बिल्कुल आसानी से निकालना भाई साहब। कि टूटे ना, अगर ये टूट गया ना, तो ध्यान रखिए कि एक पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। नष्ट आपको आपको और हमको नहीं होने देना है, क्योंकि एक पौधा भी अगर जीवंत रहा तो वो और भी पौधों का विकास करने में काफ़ी सहायक होता है। और कहा जाता है कि अगर जेल में बंद कर दो और कोई मिलने ना आए, तो आप वैसे ही आधे सूखे हो जाएंगे, भले ही कितने खाना पीना दिया जाए। यही चीज़ जो होती है पौधों के साथ में भी होती है, जानवरों के साथ में भी होती है, और हम इंसानों के साथ में भी होती है, कि हम उन चीज़ों की केयर किस प्रकार कर सकते हैं, और किस प्रकार जो हमारे अगर बोलने बताने के लिए होंगे तो हम उसको कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको खींच करके नहीं रखना है, जिस जगह से जड़ आपको लग रही कि नहीं ये खींच नहीं रही है, क्योंकि वो एकदम गुत्थम गुत्था हो जाती है, जिसकी वजह से खींचने में वो उखड़ भी सकती है। तो आपको उखड़ना नहीं है, कैंची की सहायता से आप उसको इस प्रकार से काटें कि उसमें जड़ तो रहे और आपका जो है ये पूरी तरीके से जो है इसमें वो ना हो, क्या बोलते हैं, जड़ से ना उखड़ जाए, जड़ मतलब तने से जड़ उखड़ ना जाए, जिससे वजह से यह जो है ख़राब ना हो। तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक से इसको पहले आपको अलग अलग कर देना, पूरी तरीके से आपको अलग अलग कर देना है। अलग अलग इसलिए करना है क्योंकि जो गले हुए जो चीज़ें हैं ना, गले हुए जो बम्बू है ना, उनमें दोस्तों वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो पौधों में, वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे को भी साइड इफेक्ट करते हैं, दूसरे भी उससे नष्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसकी जो पकी हुई पत्तियां हैं, हरी पत्ती को छोड़ करके जो पीली पत्ती हो गई, जिस जगह पे पीला और सफ़ेद रंग का हो गया, उसको आपको अच्छी तरीके से कैंची की सहायता से काट करके हटा देना। अगर पूरी पत्ती भी अगर आप काट करके हटा दोगे ना, तो टेंशन मत लेना दोस्तों, मैं बैठा हूँ ना वीडियो में, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से इसको जो है साफ़ सुथरा एकदम क्लीन और अच्छी तरीके से रखना है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, जब मैंने ओपनिंग किया था, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कितना शानदार तरीके से वो दिख रहा है, ऐसे ही आपका पौधा हो जाएगा। तो ये हमने जो जो अच्छी तरीके से छांट ली, हमने जो इसमें जो ख़राब थी उनको हमने हटा दिया है, और जिसमें से पूरे पत्ते ही हमने हटा दिए हैं, कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पूरा पौधा अगर जड़ से लेकर के पूरे ऊपर तक के अगर वो हो गया है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर वो पीला हो गया तो उसको जो पूरी तरीके से आप काट दीजिए, आप इसके ऊपर साइड से भी काट देंगे, इसको अच्छी तरीके से इतने अच्छे से धोने कि इसमें जो हल्का चिपचिपा सा आपको हाथ में लगाने पर लग रहा होगा, तो उसको जो है आपको हटा देना है। ये आप देख रहे हैं कि मैं जो है इसमें जो है सफाई कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मैंने हल्का सा इस पानी में जो है हमने खाने का सोडा डाल दिया है। खाने का सोडा हमने इसमें इसलिए डाल दिया है क्योंकि खाने के सोडे से इसकी जो लिरवटापन है, इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरिया है, जो इसमें जो गंदगी आ गई है इसमें, जिसकी वजह से ये बदबू भी मार रहा है, तो उसमें जो है यह जो होगा सोडा जो हो उसको कवर करने का कार्य करता है। जड़ को भी हमने देखा होगा वीडियो में, आप देख रहे हैं कि जड़ को भी हमने अच्छी तरीके से काट छाट दी है, जिससे काफ़ी जो जड़ थी जिन जो सिर्फ चिपकी हुई थी, पर उनका जो कोई काम नहीं बचा था पौधे में। ये देखिए जिस जगह पर वो ख़राब हो गया, उस जगह से हमने कैंची से इसको काट देनी है।
ध्यान रखें कि वो तना वाला हिस्सा नहीं काटना जहाँ से नई पीका निकली हुई, पीका बोला जाता है, तो उसको जो है अच्छे से आप इसकी साफ़ सफाई कर दीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों हम बताएंगे इसमें कि आपको वास्तव में और क्या क्या करना है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने सभी की जो है अच्छे से सफाई कर लेनी है। थोड़ा सा पानी में हमको खाने का सोडा डाल देना, एक चम्मच खाने का सोडा जो होता है काफ़ी पर्याप्त होता है, खाने का सोडा हो वही आपको इसमें इस्तेमाल करना है, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये देख रहे होंगे कि मैं इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अभी आपको जोड़ना नहीं, हालाँकि इसको हम हटा देंगे, हम देख रहे हैं कि कितना हमारा जो है बचा हुआ है और किस प्रकार से इसको जो है अच्छे से हम कर सकते हैं। तो देखिए आप पानी में देख रहे होंगे, पानी में पूरी तरीके से साफ़ हो गई ये इसकी जड़, इसके तने और इसकी पत्तियों को हमने अच्छे से छांट दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप घर से बाहर अगर जाते हैं तो यह जो पौधा है आपका लकी पौधा है, किसी दूसरे को दे जाएं और यह बता दें कि इसमें आपको डेली जो है पानी का जो है बदलाव करना है। डेली पानी का बदलाव नहीं करेंगे तो इसमें काई जमने लग जाएगी और वही काई जो होती है, पौधे को नुकसान पहुँचाने का कार्य करती है, जिससे हमारा पौधा जो होता है धीरे धीरे मरने लग जाता है, सूखने लग जाता है, क्योंकि वो पौधा जो होता है अपने लिए भोजन नहीं बना पाता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने जो है निकाल लिया है, सफाई कर ली है इसकी। तो इस प्रकार आप भी इसकी सफाई करके तार से तो मोटी वाली तार हो तो समझ में आता है, पतली वाली तार आपको नहीं बांधना, नहीं तो तार से जो होगा भैया कट जाती है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से दोस्तों कि इसको जो है हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ कर दी है। रबड़ की सहायता हम लेकर के आकर रबड़ की सहायता से इसको हम जो है बांध देंगे, अच्छे से बांध देंगे। और बांधने के बाद एक चीज़ आपको करना है, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी साफ़ सफाई, एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि इसको जो है आपको जो है तुरंत मिट्टी में नहीं डालना, तुरंत मिट्टी में डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको जो है अच्छी तरीके से करने के बाद जड़ सहित आपको जो है इसको सुखा के रखना, दो दिन तक के आपको धूप में रखना है इसको। धूप में रखने के बाद दो दिन बाद जब हल्की से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसको जो है आपको शुद्ध पानी में, ये जो जग देख रहे हैं ना, इसमें हम जग में हम सुनने शुद्ध पानी लिया हुआ है, शुद्ध पानी में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है प्योरीफाई वाला पानी नहीं लेना है, यानी प्योरीफाई जो आपके घर में प्योरीफाई मशीन लगी होगी उसका पानी नहीं लेना, आपको डायरेक्टली नल का पानी लेना है। नगर निगम से पानी आता हो, ग्राम पंचायत से पानी आता हो, कुएं तालाब नदी किसी का भी पानी आपको ले लेना, पर प्योरीफाई पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना। प्योरीफाई पानी से ये इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और इनमें जो है विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिल पाते जो इनको मिनरल्स चाहिए रहते हैं, शुद्ध भाषा में अगर आप समझ लें तो। इसके अच्छी तरीके सारे पीले पत्ते आपको इसमें से हटा देना। दूसरी एक और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ दोस्तों, अगर आपने घर पे मनी प्लांट लगा रखा है किसी सीसी पे, किसी बोतल में पानी पे आपने डाल करके रखा है, तो अगर आप उस पे जो है प्योरीफाई पानी डालते हैं तो प्योरीफाई पानी डालना बंद कर दीजिए, उसमें फिल्टर का पानी डालना बंद कर दीजिए, उसमें आपको डालना है नॉर्मली पानी, जो नल का पानी आता है वही नल का पानी ही आपको इस्तेमाल करना है, तो आपकी पौधे की जो होगी वो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो है इसकी अच्छी तरीके से छटाई करने के बाद जो है इसको जो सब मैंने आपको बताया, दो दिन आपको धूप में रखना है और उसके बाद आपको कम से कम एक सप्ताह तक पानी में रखना, और पानी में रखने के बाद जो है इसको दोस्तों आपको जो है मिट्टी में, जो मिट्टी हमने बताई थी जिसमें हमने राख डाली हुई थी, उस राख वाली मिट्टी में आपको डाल करके रख देना है और उसको जो है एक महीने तक के आपको मिट्टी में सिर्फ पानी डाल करके ये आपको इसको रखना है। जब ये अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, जैसे कि हमारा पौधा जो अच्छी तरीके से ग्रोथ उसकी आ गई है, अब इसको जो है हम जो है अपने पानी वाले पॉट में, जो हमारा कांच का पॉट है उस पॉट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार आप अपने पौधे की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ समय तक हमने लगभग एक माह जो तक जो है इस पौधे को मिट्टी में अच्छे तरीके से दबा करके रख दिया था, और मिट्टी में हमने क्या डाला था, जली हुई राख की खाद। जली हुई राख की खाद जो होती है इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि जली हुई राख में जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इस बम्बू को जो है गुडविल वाले बम्बू को जो है फास्फोरस की मात्रा अधिक चाहिए रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने मिट्टी पर डाला था, मिट्टी पर कुछ इस प्रकार से ये पौधा हो गया था। मिट्टी पर डालने के बाद इस पौधे पर नए नए पत्ते और नए नए पीके आने लगे हैं, जिसकी वजह से जो गला हुआ हिस्सा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है इस पौधे का, और यह जो है अच्छी तरीके से बड़ा होने लगा है। अगर आपके घर पे भी अगर यह पौधा जो होता है अगर नष्ट होने लगा है तो उसको आप कुछ इस प्रकार से कीजिएगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कुछ इस प्रकार से करेंगे, और एक महीने तक जो है इस पौधे को मिट्टी में रख करके अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और पानी डाल करके आपको रखना है। ये देखिए यह जो पौधा है, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इसमें पीका आ रहा है, ये देखिए
कितनी अच्छी तरीके से पत्ती आ रही है, एक भी पीली पत्ती नहीं बची है। जब ये पहले था तो कितनी सारी पीली पत्ती थी, इसमें पूरी तरीके से पीली पत्ती नष्ट हो गई है और इसमें जो है नए नए, ये देखिए नए नए पीके भी आने लगे हैं। नए नए ये बहुत ज़्यादा नष्ट, सूख गया था पूरी तरीके से, तो उसके बाद भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पौधा फिर से स्वतः जीवित हो जाएगा और आपको जो है गुडविल देने लग जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है हम इसको जो अच्छे तरीके से उखाड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे मतलब इसकी मिट्टी हटा देंगे। मिट्टी हटाने के बाद जो है दोस्तों इसको जो है हम जो है पुनः पानी में रख देंगे। पानी में रखने के बाद जो है हमको उसमें जो है राख, राख जो है महीने में एक बार एक चुटकी राख उसमें आपको डाल देनी है और उस पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। उसके बाद ये पौधा ना तो गलेगा और यह पौधा बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि मरने की स्थिति में आ गया था इसलिए इस पौधे को हमने मिट्टी पर डाला और हमने इसको पुनः जीवित कर लिया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे तुरंत जाइए और लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो तुरंत फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको हमारे और भी इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे या किसी और नए ब्लॉगिंग के साथ में। तब तक लीजिए, दीजिए हर हर महादेव दोस्तों।